वंदे मातरम प्यारे साथियों, आपके पास यहाँ पे जो ये तीन मैट्रिक्स दी गई हैं, इस तीसरी मैट्रिक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके बेस पे नीचे ऑप्शन दिए गए। साथियों, सबसे पहले वीडियो को रोककर आप स्वयं से प्रश्न लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल। साथियों, पहली मैट्रिक्स में आप चेकआउट कीजिए 5, 7, 3, 5, इन चारों में मैथमेटिकल क्रिया को आप अप्लाई कीजिए। इसके बाद ये 27 नंबर आपको प्राप्त करने, तो किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहले आपके पास ये जो 5 नंबर और इसके सामने 3 नंबर, अगर इन दोनों की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 5 × 3 = 15, इसके बाद ऊपर 7 नंबर, नीचे 5 नंबर, अगर इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे ऐड करें, 7 और 5 = 12, इसके बाद सिंपली इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें, प्लस करें, तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 27, जो इनके बीच में लिखे हुए। इसी प्रकार से नेक्स्ट में चेकआउट कीजिए 6 और 3, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, 6 × 3 = 18, इसके बाद 9 और 5, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कीजिए, 9 और 5 = 14, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 18 + 14 कितने नंबर यहाँ पे? 32, जो इनके बीच में लिखे हुए। साथियों, कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर है? इस 8 नंबर और इस 4 नंबर की आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कीजिए 8 × 32, इसके बाद 7 और 3, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, 7 और 3 = 10, अब सिंपली इन दोनों नंबर को आप ऐड कीजिए, 32 + 10 कितने नंबर रहेंगे आपके? 42 = 42, इसका मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितने नंबर रहेंगे? 42 = 42, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है। यदि 6 × 3 + 5 इसको यहाँ पे लिखा जाता है 10 नंबर, 8 × 5 इसको यहाँ पे लिखा जाता है 20, तो इसी प्रकार से 4 × 2 + 8 इसके बराबर में आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके बेस पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, तो कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल। इसमें आपको सभी मैथमेटिकल क्रिया को अप्लाई करना है। साथियों, सबसे पहले 6 नंबर और 5 नंबर, अगर इन दोनों की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 6 × 5 = 30, और इसके बाद मिडिल का जो नंबर है 3, अगर इस नंबर से, तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 10। नेक्स्ट में चेकआउट कीजिए, 8 और 5 के अगर मल्टीप्लाई करें, 8 × 5 = 40, मिडिल नंबर 2, अगर इसको इससे डिवाइड करें, तो नंबर हमें प्राप्त होंगे 20, 20, जो इनके पीछे लिखे हुए। तो इसी प्रकार का लॉजिक आप नेक्स्ट में अप्लाई कीजिए, 4 और 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 32, मिडिल नंबर 2, इसको अगर डिवाइड करें, 32 को 2 से डिवाइड करें, कितने नंबर यहाँ पे? 16। इनके बराबर में कितने नंबर हमें प्राप्त होंगे? 16। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है।